इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो अग्निवीर जो योजना है अभी तो उसका एक नंबर कैश भी अभी अभी आया नहीं है, क्योंकि अभी उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो जब जब तक उसका सारा बैच नहीं आता, फिर उसका समाज के ऊपर हमारे जो सेना का जो जो कार्यशाली है उसके ऊपर क्या असर होगा, इसके बारे में एकदम हाँ हाँ में या ना में क्या देना। मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी जैसे जो सीनियर कांग्रेस के नेता हैं उनका एकदम इस निष्कर्ष के ऊपर कहना उचित नहीं है, ये मेरा ऐसा ऐसा सोचना है। क्योंकि देखिए ना, जो अग्निवीर योजना है उसका तो बाकी जो भी उसकी डिटेल है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मगर जो बच्चे हैं वो उनको कम से अनुशासन तो आएगा। वो जब उससे निकल के आएंगे तो जिस गांव में हैं या जहाँ जिस स्थान में रहेंगे उनका कुछ ना कुछ तो असर होगा। उनको देख के जो और बच्चे हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, तो एकदम मतलब उसको नकार देना ये एक अच्छा अच्छी अच्छी सोच नहीं है। उनका कहना कि देश में दो तरह के शहीद नहीं हो सकते, तो ये जो ऐसी सोच है तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि देश में ऐसा नातावरण हो कि कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आँख ना आँख उठाने की हिम्मत ना कर सके। और सेना इतनी इतने बलशाली हो कि वो दुश्मन डर के किसी तरह के हमले की या किस तरह की ऐसी 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 नशाजस की कोशिश ना कर पाए। तो अगर अगर ऐसा वातावरण होगा तो शहीद का जो शब्द है वो हमारी हमारी सेना में हमारे समाज में हमारे देश में मिटी जाए। अभी आप देखिए ना पिछले कुछ सालों में कितना कितना बदलाव आया है। अब देखिए ना J&K में आप देखिए, आगे तो हर दिन मतलब ऐसी खबरें आती थी कि उधर आतंकवादियों ने हमला किया, उधर ये किया, हमारे हमारे हमारी सेना ने इतने 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 जवान खो दिए या इतने जो हमारे अफसर थे वो इस नोटबैन में शहीद हो गए। तो अभी दिन प्रतिदिन ये जो खबरें हैं इस तरह की बहुत ही कम मतलब हो रही हैं, और जैसा जैसा हमारी हमारी सरकार का प्रयास है कि हम इससे भी हम कहीं ज़्यादा वो अपनी सेना को मजबूत करेंगे कि दुश्मन की हिम्मत ही ना हो कि कभी हमारी तरफ ऐसी आँख उठाकर देखें। आपने क्या मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ नहीं देखा। It is learned that Mr. Rahul Gandhi, a very senior Congress leader, has commented that Agnivir Yojana will not continue in case his the party comes into the power in the coming election. About Agnivir Yojana, I think it is still in infancy. Since the first batch of Agnivir has not come out so far, but it is immature to comment that this will happen, that will happen. Personally, I feel these Yojana like Agnivir should be implemented throughout to create discipline in our youngsters who are nowadays indulging in all drug addiction, etc.
At least, but these Agnivir people, when they come out, they will create an impression, they will create an inspiration to other youth. So it is not proper to say that Agnivir Yojana is not good, and it will be stopped in case Congress Party comes into power. Regarding his comment that there cannot be two type of martyrs in the nation, I wish and pray that the country should be so strong that there is no martyr. If you see in the last 8-10 years, the number of casualties has come down almost to negligible count. Since our army is getting stronger day by day, and all our neighbors have the full knowledge of it, and they don't dare to do any evil act as they were doing earlier. But it was quite common to see that there were encounters here, there, everywhere, especially in JNK and Eastern Sector. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।